तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि जूनियर एनटीआर की न्यू मूवी का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, और वो भी उनके बर्थडे से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 19 मई को इस मूवी का पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें एनटीआर हाथ में एक हथियार लेके खड़े और उस हथियार पे एक खून के कतरे और वो समुद्र के किनारे किसी पत्थर पे या पहाड़ पे खड़े हुए एक पोज दे रहे हैं। तो भाई आज है उनका बर्थडे, तो मैंने जानबूझ के इस पे कल वीडियो नहीं बनाया था। मैंने सोचा जिस दिन उनका बर्थडे होगा तो मैं उसी दिन उनको बर्थडे विश दूंगा और ये वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी तरफ से जूनियर एनटीआर को हैप्पी बर्थडे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूवी कब रिलीज होगी और जाह्नवी कपूर एनटीआर के साथ काम करने के लिए कितना बेताब थी, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना मेरे साथ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, ये देवारू का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। पोस्टर के साथ उन्होंने मूवी का नाम भी रिवील कर दिया कि भाई इस मूवी का नाम देवारू होगा। अब दोस्तों जाह्नवी कपूर ने कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ हफ्ते पहले, इंस्टाग्राम पे अपना इस मूवी से रिलेटेड फर्स्ट लुक भी शेयर किया था, जो कि वो बताती हैं कि इंटरव्यू में कि मैं बहुत उत्साहित थी एनटीआर के साथ काम करने के लिए, क्योंकि अब जब से आरआरआर इतने बड़े लेवल पे पहुंची है तभी से आरआरआर के जो एक्टर है, यानी कि एनटीआर एक इंडियन स्टार नहीं एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं, उनकी फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड पहुंच चुकी है, इंडिया से बाहर तक पहुंच चुकी है। तो भाई ऐसे एक्टर के साथ मेरा काम करना एक तरीके से एक ड्रीम्स वाला वर्क होगा। मेरा ड्रीम था कि मैं एक इतने बड़े एक्टर के साथ काम करूं, तो मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ये मूवी काम करने का मौका मिला। अब दोस्तों मैं बात करता हूं इस मूवी से रिलेटेड। भाई देखो इस मूवी का पोस्टर तो रिलीज हो ही चुका है, वो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई ये मूवी रिलीज कब होगी। तो दोस्तों ये न्यूज आ रही है कि ये मूवी अगले साल यानी कि 2024 में 5 अप्रैल को ये मूवी रिलीज होगी। तो जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर फैली तो जभी से फैंस इस बात के दीवाने हो गए और एनटीआर की अगली मूवी को देखते ही वो लोग एकदम से बौखला गए। जिस तरीके से पोस्टर में एनटीआर एक हथियार लेके खड़े हैं उसको देखते ही फैंस अपने दिलों को संभाल नहीं सके और उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी कि हम इतने बड़े एक्टर को दोबारा से बड़े पर्दे पे देख पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि इस मूवी का टीजर कितना दम डालता है और ये लोग कब इसका टीजर रिलीज करते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग इस मूवी का टीजर कब देखना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप कितना बेसब्री से इस मूवी का यानी कि जूनियर एनटीआर का अगले मूवी का इंतजार कर रहे थे, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।